हेलो दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपको हमारे चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पैन कार्ड किस तरह से अप्लाई किया जाता है। ये जो पैन कार्ड है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए कोई पैसा वगैरह देने की जरूरत नहीं, कोई अमाउंट वगैरह पे करने की जरूरत नहीं है। ये जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड से मर्ज होकर बनता है आप लोगों को। ये पैन कार्ड अप्लाई करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जो आधार कार्ड का जो एड्रेस होता है, आधार कार्ड पे जो आपका घर का एड्रेस होता है, उस एड्रेस पे पोस्ट के द्वारा भेज दिया जाता है। और एक बार बताता जाऊँ आप लोगों को, ये पैन कार्ड जो है सो 1 मिनट में बन जाएगा, 2 मिनट में बन जाएगा ये नहीं बोलूंगा। हाँ, भले ही 1 मिनट में बन जाता तो है, अगर आपका मोबाइल का नेट स्पीड है, अगर आपका कंप्यूटर का नेट स्पीड है, 1 मिनट में तो बन जाएगा। बट आप लोगों को इमिडिएटली में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर ही मिलेगा, तुरंत आपको पैन कार्ड नंबर नहीं मिलता है। जैसे कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताया हूँ, अच्छी तरीके से देखें समझ में आएगा। जैसे कि मैं इवनिंग में 4 o'clock को मैं अप्लाई किया, और मैं दूसरे दिन मॉर्निंग 9 o'clock यानी कुछ घंटे के बाद मैं चेक करा, यानी उसके बाद मैं इवनिंग के बाद नाइट वगैरह में चेक भी किया, लेट सुबह में मॉर्निंग में चेक किया, तो मेरा जो है पैन कार्ड बनकर रेडी हो गया था। सिर्फ आपको इमिडिएटली एक्नॉलेजमेंट नंबर ही मिलता है, पैन कार्ड नंबर जो है कुछ घंटे के बाद मिलता है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ते हुए पहले आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के राइट साइड में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से हमारे चैनल पर हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। वीडियो को स्किप किए बगैर, वीडियो को फॉरवर्ड किए बगैर पूरा देखें दोस्तों, तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा। वीडियो में कुछ भी गलत लगा, कुछ भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट में बताइए, कमेंट का आंसर मैं देता हूँ, कमेंट भी पढ़ता हूँ दोस्तों। वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करिए, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए दोस्तों, आप लोगों को पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के लिए कोई भी एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर क्रोम ब्राउजर है, आपको मार्क करके बता देता हूँ। आपके मोबाइल फोन में कोई भी ब्राउजर होगा उसको आप ओपन करके ट्राई कर लीजिए, क्योंकि मैं अभी तक दूसरे ब्राउजर में ट्राई नहीं किया हूँ क्रोम ब्राउजर, इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा क्रोम ब्राउजर में ही करे तो बेहतर रहेगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम क्रोम ब्राउजर को हम ओपन कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखिए गूगल सर्च बॉक्स आपको दिख रहा होगा, गूगल सर्च बॉक्स में आप लोगों को ई फिलिंग टाइप करना है, ई फिलिंग। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम ई फिलिंग टाइप करके हम सर्च कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, ई फिलिंग टाइप करके सर्च करने के बाद यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, जेन्यून वेबसाइट है। जो आपको पहला ऑप्शन दिख रहा होगा, मार्क करके बताता हूँ, इसी पर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर क्लिक करके। अभी देखिए दोस्तों, ये वेबसाइट पे एंटर करने के बाद ये वेबसाइट जो है सो कुछ इस तरह से दिखता है। अभी देखिए स्क्रीन को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए आपको मार्क करके बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टेंट ई पान, यानी कि इंस्टेंट ई पैन, यानी कि आपको इमिडिएटली आप अभी का अभी कुछ, यानी कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर आपको एक नया पैन कार्ड बनकर रेडी हो जाएगा। यानी कि आपका अभी तक कोई पैन कार्ड बनाया नहीं है, आपने फ्रेश हैं, आप अभी तक आपको कोई पैन कार्ड नहीं बनाया, तब इस तरीके से आप पैन कार्ड बना सकते हैं, आधार कार्ड से लिंक होकर आपको पैन कार्ड ये बनेगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आपको ऐसा ऑप्शन दिखेगा। अब स्क्रीन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेना है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गेट न्यू ई पैन, यहाँ पर नीचे की तरफ आपको मार्क करके बता देता हूँ, गेट न्यू ई पैन आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, मार्क करके बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ इंटर योर 12 डिजिट आधार नंबर फॉर पान अलॉटमेंट, यानी कि आपको पैन कार्ड अलॉटमेंट के लिए आधार कार्ड से बनेगा, यानी कि आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालेंगे, आधार कार्ड से ही वो लिंक होकर आपको पैन कार्ड बनेगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए ये बॉक्स में आपको मार्क करके बता देता हूँ, ये बॉक्स में आपको आपका जो भी 12 डिजिट का आधार नंबर होगा वो यहाँ पे इंटर कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम यहाँ पे 12 डिजिट का आधार नंबर यहाँ पे इंटर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 12 डिजिट का जो मेरा आधार नंबर है वो मैं इंटर कर लिया हूँ। उसके नीचे में देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आप आधार नंबर से आपको पैन कार्ड जो है सो अलॉटमेंट होगा, पहला वो हो गया। दूसरा जो हो गया, आपके आधार नंबर पर जो मोबाइल नंबर है, आपके मोबाइल नंबर जो लिंक रहता रहेगा तभी जो है सो आपका जो है सो ये प्रोसेस आगे को बढ़ेगा, नहीं तो फिर आगे बढ़ना मुश्किल है। फिर जो तीसरा नंबर है, आपका जो आधार नंबर पे डेट ऑफ बर्थ जो है सो ओनली, किसी किसी का ना सिर्फ ईयर होता है, यानी कि साल होता है, साल नहीं यानी कि मंथ डेट एंड ईयर पूरा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और एक चौथा नंबर जो है सो आप 18 साल से ऊपर के होने चाहिए, तभी आपका ये पैन कार्ड जो है सो बनेगा। यहाँ पे आई एम नॉट ए माइनर एज एप्लीकेबल एप्लीकेशन डेट फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, यह यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, ये चारों पढ़ने के बाद यहाँ पे आई कन्फर्म डेट का यहाँ पे एक छोटा सा मार्क, छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है, सॉरी, ये बॉक्स पे आपको क्लिक करके मार्क कर लेना है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, मार्क करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन हम यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम यहाँ कंटिन्यू पे भी क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, OTP वैलिडेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो भी आधार नंबर है जो इसमें इंटर किए हैं, उसमें जो भी मोबाइल नंबर आप दिए हैं उस पर OTP भेजा जाएगा।
उसका जो भी टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ। ऊपर की तरफ उठाने के बाद यहाँ पे छोटा सा एक बॉक्स दिया हुआ, फिर से यहाँ पे मार्क टिक करने के लिए बताया जा रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रीड द कंसेंट, यानी कि ये जो भी है मैं पढ़ लिया हूँ, इसके इससे हम सहमत हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स दिया हुआ है मार्क करके बताता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको गेट आधार OTP, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमको जो है सो आधार नंबर पे, आधार कार्ड में जो भी नंबर मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, जो भी मेरा आधार कार्ड पे लिंक हुआ हुआ मोबाइल नंबर है, उस पर एक मैसेज आ गया है। अभी मैं देखिए यहाँ पे जो भी 6 डिजिट का मैसेज आया है मेरे आधार नंबर पे, आधार नंबर के मोबाइल नंबर पे, वो मैं यहाँ पे इंटर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरे आधार कार्ड पे जो भी मोबाइल नंबर था, उस मोबाइल नंबर पे जो भी मेरा 6 डिजिट का OTP आया था, मुझे मैसेज मिला था, वो OTP मैं यहाँ पे इंटर कर लिया हूँ। अभी देखिए यहाँ पे नीचे की तरफ आपको एक टाइमिंग चल रहा होगा, आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपको ये जो है सो OTP आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ता है। अगर 10 मिनट के अंदर अंदर अगर आप OTP नहीं आता है, आपको 10 मिनट हो गया है, तो नीचे में आपको रिसेंट का ऑप्शन दिया हुआ है, रिसेंट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दूसरा OTP मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद आपका आधार कार्ड में जो भी आपका डिटेल्स होगा, आपका फोटो वगैरह, आपका नाम वगैरह, जो पूरा यहाँ पे शो करेगा। अगर आप स्क्रीन को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में अगर आप स्लाइड करेंगे, जैसे कि मैं स्लाइड करके आपको बता देता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए, इसको मैं थोड़ा सा ब्लर कर दिया हूँ एज पर गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। दोस्तों यहाँ पे आपका जो भी आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स होगा, पूरा यहाँ पे डिलीट करेगा, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपका जो भी आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स वगैरह होगा, पूरा यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर और एड्रेस वगैरह, पूरा आधार कार्ड का पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। और आपका जो पैन कार्ड जो बनेगा, वो आपका आधार कार्ड के एड्रेस पे आपको भेज दिया जाएगा। उसके नीचे में देखिए आपको जो भी टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। मैं इसलिए आपको पढ़ के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का जो एक्सेप्ट डेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा बॉक्स, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। आपको मार्क करके बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ फिर से एक बार कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, यानी कि आपका जो आधार कार्ड है उसमें आपका ईमेल आईडी लगाया हुआ नहीं है, क्या आप इससे सहमत हैं? आप इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे या फिर ईमेल आईडी ऐड करना चाहेंगे? यानी कि ये किसी एक फीमेल का है, उनका कोई ईमेल आईडी नहीं है, छोटा सा फोन यूज करती है वो, उनका कोई जरूरत नहीं है, बट उनका पैन कार्ड की नीड है, तो हमें कोई ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे की तरफ फिर से एक बार कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, मार्क करके बता देता हूँ, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। अभी देखिए दोस्तों, हमने जो भी पैन कार्ड के लिए रिक्वेस्ट डाला था, वो यहाँ पर कंफर्म हो गया है। यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पर अपने को मिल गया है, योर रिक्वेस्ट फॉर ई पैन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर शो कर रहा है। इससे पहले मैं एक बार बताना चाहूंगा आपको, जो भी यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको आपको लिख के रख लेना है कहीं पर अच्छी तरीके से, नहीं तो अगर आप मोबाइल फोन पे यूज करें तो इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम पहले इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लेते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिर से मैं जो है सो स्क्रीन में बैक आ गया हूँ। बैक आने के बाद जहाँ से मैं गेट न्यू पैन का जो प्रोसेस किया था, वहीं पर आ गया हूँ। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड पैन कार्ड चेक स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आधार नंबर इंटर करने के लिए बता रहा है, 12 डिजिट का। आपको यहाँ पे आधार नंबर 12 डिजिट का इंटर कर लेना है। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो भी मेरा 12 डिजिट का आधार नंबर था, वो मैं एंटर कर लिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों देखिए, नेक्स्ट प्रोसेस में क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पे फिर से एक OTP आएगा, जो नंबर आपके आधार में लिंक है वही, उसी पे फिर से एक बार OTP आएगा। वो OTP यहाँ पे आपको 6 डिजिट का इंटर करना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए जो मेरे मोबाइल नंबर पे जो भी OTP आया, वो मैं इंटर कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, 6 डिजिट का OTP जो भी आपका आया होगा, वो यहाँ पे इंटर कर लेना। अगर आपको OTP नहीं आता है, तो यहाँ पे देखिए रिसेंट OTP का ऑप्शन आपको साइड में दिया हुआ होगा, उस पर आपको क्लिक करके नया OTP ले लेना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए, लेट ना करते हुए हम नीचे की तरफ कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पे देखिए दोस्तों, करंट स्टेटस जो है सो यहाँ पे नीचे में आपको दिख रहा होगा, आई मार्क पे इन प्रोग्रेस डिफॉल्ट, थैंक यू फॉर यूजिंग ई पान सर्विस, वी आर वैलिडेटिंग योर डिटेल्स, प्लीज चेक आफ्टर एन आवर्स, यानी कुछ कुछ घंटों के बाद फिर से एक बार आपको चेक करने के लिए बताया जा रहा है। अभी इन प्रोग्रेस आपका जो भी डाटा है, वो भी अभी प्रोसेस में है आपका पैन कार्ड बनने के लिए, ठीक है दोस्तों।
अभी चलिए दोस्तों, कुछ घंटों के बाद फिर से एक बार आपको मैं चेक करके बताऊंगा मेरा जो भी डिटेल्स वगैरह है ओके हुआ या नहीं हुआ, फिर क्या प्रोसेस करना है आपको, फिर मैं कुछ घंटों में फिर आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछला दिन मैं पैन कार्ड अप्लाई किया था, शाम के 4 बज के कुछ मिनट हो रहे थे उस टाइम पे मैं अप्लाई किया था। फिर दूसरे दिन में देखिए, अभी यहाँ पर 10 बज रहे हैं, मॉर्निंग के 10 बज रहे हैं, वो टाइम पे मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर देखिए, इंस्टेंट ई पैन का जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, फिर से उसी पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इंस्टेंट ई पैन पर हम क्लिक कर लेते हैं। स्क्रीन को थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ उठा लेता हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, चेक स्टेटस डाउनलोड पैन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, आपको मार्क करके बताया था, इस पर आपको क्लिक करके कंटिन्यू पे चला जाना है। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आधार नंबर एंटर करने के लिए बताया जा रहा है, जो भी आपका आधार नंबर जो आप डाले थे पैन कार्ड बनाने के टाइम पे, वही आधार नंबर यहाँ पे 12 डिजिट का यहाँ पे एंटर करना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम यहाँ पर 12 डिजिट का पैन नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो भी मेरा 12 डिजिट का आधार नंबर था वो मैं एंटर कर लिया हूँ। अब यहाँ पे नीचे की तरफ आपको कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा, वो ये भी आपको मार्क करके बता देता हूँ, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम इस पर भी क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लिक करने के बाद आपके आधार नंबर पर जो भी मोबाइल नंबर है आपको, उस पर आपको 6 डिजिट का एक ओटीपी आएगा, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए जो भी मेरे मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आया है हम यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। बस देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी 6 डिजिट का ओटीपी आया था वो मैं एंटर कर लिया हूँ। अब नीचे की तरफ फिर से एक बार कंटिन्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना है। इससे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, मैं हर टाइम बता रहा हूँ, अगर आपको ओटीपी नहीं मिलता है तो यहाँ पर आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है अवेलेबल इन काउंटडाउन जो होता है। यहाँ पे देखिए 30 सेकंड 12 सेकंड जो चल रहा है वो खत्म होने के बाद फिर से यहाँ पर रिसेंट ओटीपी जो दिख रहा है वो आपको ओपन हो जाएगा। वहाँ पर रिसेंट ओटीपी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको नया ओटीपी भेज दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पिछला दिन मैं चेक कर रहा था जो शाम के टाइम पे, यानी कि पैन कार्ड अप्लाई करने के बाद, तो यहाँ पर जो है सो इन प्रोग्रेस बता रहा था। ठीक है, इन प्रोग्रेस बता रहा था, बट अभी मैं दूसरे दिन जो सुबह में, अभी मैं 10 बजे जो मैं अभी अभी चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए पैन अलॉटेड सक्सेसफुली, यानी कि मेरा जो पैन कार्ड है वो बनकर रेडी हो गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीवीई पैन पे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अभी मुझे ना डाउनलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए उसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा स्लाइड करेंगे, अगर फ़ोन में आप, अगर आप डाउनलोड सॉरी अगर आप फ़ोन में ओपन कर रहे हैं, फ़ोन में चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। थोड़ा सा स्क्रीन को स्लाइड करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है, आपको मार्क करके बताया था, इस पर आपको क्लिक कर लेंगे तो आपको जो है जो पैन कार्ड आप अप्लाई किए हैं उसका जो फॉर्मेट है वो पूरा वहाँ पर आपको शो करेगा। चलिए दोस्तों, लेट ना करते हुए हम डाउनलोड ई पैन पर हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डाउनलोड ई पैन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड पासवर्ड दिया हुआ होता है, वो प्रोटेक्टेड पासवर्ड क्या है वो भी आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्लीज़ नोट द ई पैन पीडीएफ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, इंटर द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है आधार कार्ड पे वही जो है सो आपका जो है सो पासवर्ड होगा। चलिए दोस्तों, मैं आपको ये ओपन करके बताता हूँ ये पीडीएफ। देखिए दोस्तों, ऑलरेडी मेरा जो पीडीएफ है वो डाउनलोड हो गया है, इसको मैं क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, पासवर्ड पूछ रहा है आपका आधार कार्ड में जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि है, वही जन्म तिथि यहाँ पे एंटर करना। जैसे कि पहले जो है तारीख आएगा, उसके बाद फिर आपका महीना आएगा, उसके बाद फिर आपका साल आएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर 12 तारीख हो गया, 10वां महीना हो गया, 10 लिखना है, फिर उसके बाद 1974 हो गया, 1974 यहाँ पे लिख देना है, यानी कि 12 तारीख, फिर उसके बाद 10, कुछ भी स्लैश वगैरह डैश वगैरह कुछ भी नहीं डालना है आपको, 12 तारीख 10, उसके बाद 1974 यहाँ पे लिख के ओपन कर देना है। चलिए दोस्तों, जो भी मेरा पीडीएफ सॉरी जो भी मेरा पासवर्ड है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है, वो मैं यहाँ पे एंटर करके ओपन करके आपको बताता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो भी मैं अप्लाई किया था पैन कार्ड वो बनकर रेडी हो गया, आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से जो है सो आपको आसानी से, आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, कुछ पैसा नहीं लगता है दोस्तों ये पैन कार्ड बनाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है सो आपका पैन कार्ड जो है सो बन जाता है दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों, जितना भी मैं आप लोगों को ये तरीका बताया हूँ पैन कार्ड अप्लाई करने का, आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को बारीकी से बारीकी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब के राइट साइड में आपको एक बेल आइकन होगा दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस करें। बेल आइकन प्रेस करने से दोस्तों हमारे चैनल पर आने वाले ऐसे हर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहेगा। थैंक यू दोस्तों हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।